नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्रत्यूष में। गाइस, अप्रैल का करंट अफेयर अब हम पढ़ने जा रहे हैं और इसको हम अपने फॉर्मेट MCQ से पढ़ेंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। 10 क्वेश्चन आपके लिए लेके आते हैं और वो IAS और PCS लेवल के क्वेश्चन होते हैं। आप इनको सॉल्व करेंगे, अगर आपके क्वेश्चन सही जाते हैं तो आपकी पढ़ाई करंट का रिविजन सही चल रहा है, गलत जाते हैं अगर क्वेश्चन तो आपको अपनी गलतियाँ पता चलेंगी, आपको उनको फिर से पढ़ना है। पिछली बार मैंने बात की थी एरर नोटबुक की, तो गाइज़ प्लीज़ एक ऐसी नोटबुक अपनी, एक ऐसी कॉपी बनाइए जिससे आप अपनी गलतियाँ लिख पाएँ जो कि मॉक टेस्ट और ऐसे क्वेश्चंस के दौरान हो रही हैं। तो आई होप कि आप पेन और पेपर लेके बैठे होंगे, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन का आंसर बताऊँगा या आप जब क्वेश्चन करेंगे तो आप अपनी गलतियाँ लिख पाएँ। तो विदाउट फर्दर अडू गाइज़, अब इसको हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, जैसा कि हम देख पा रहे हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज़ कम अंडर द रेगुलेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि सेबी। तो जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन कौन सेबी के अंतर्गत आती हैं। पहला ऑप्शन आप देख पा रहे हैं इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं, दूसरा है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, तीसरा ऑप्शन है रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, चौथा है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो ये चार ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल गए। अब नीचे कुछ ऑप्शंस दिए हैं, इसमें आपको बताना है कि करेक्ट कौन सा है। 1, 2, 3 करेक्ट है, 1, 2 करेक्ट है, 2, 3, 4 करेक्ट है, या फिर सारे के सारे करेक्ट हैं। तो गाइस 5 सेकंड का आप टाइम लीजिए और इसमें बताने की कोशिश कीजिए कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो यहाँ पर आपको सही लगता है। अगर इसका आंसर देखेंगे यहाँ पर गाइस, तो हमें मिलेगा ऑल, सारे के सारे इन्वेस्टमेंट बैंक्स, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इन सब के साथ साथ कैपिटल मार्केट्स, ये भी ऐसे हैं जो कि सेबी के अंतर्गत आते हैं, स्टॉक ब्रोकर्स के साथ साथ स्टॉक एक्सचेंज और कमोडिटीज़ फ्यूचर या फिर ऑप्शन, ये भी इस सभी के अंतर्गत, सेबी के अंतर्गत आते हैं। तो ये आप याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फेयर रिजर्व। गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फेयर रिजर्व के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताना है नीचे ऑप्शन को चूज करके क्या सही है क्या गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज, गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फेयर रिजर्व इज द फर्स्ट मरीन बायोस्फेयर रिजर्व इन इंडिया। पहला स्टेटमेंट कहता है कि गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फेयर रिजर्व पहला मरीन बायोस्फेयर है। दूसरा कहता है एक्सटेंड फ्रॉम रामेश्वरम टू तूतीकोरिन, रामेश्वरम से तूतीकोरिन तक ये एक्सटेंड करता है, तक फैला है। तीसरा स्टेटमेंट आपका यहाँ पर कह रहा है इट इज़ इंटरनेशनली रिकोगनाइज्ड अंडर द यूनेस्को MAB प्रोग्राम, यानी मैन एंड बायोस्फेयर प्रोग्राम। तो अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है या कौन सा स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पर आप देखिए सही स्टेटमेंट पूछा है, तो ऑप्शन है 1 एंड 2, 1, 2, 3, 2, 3 या फिर नन। यहाँ पर आप देखिए और इसको बताने की कोशिश कीजिए, 5 सेकंड का इस टाइम लीजिए। यहाँ पर अगर हम इसका आंसर देखेंगे तो पता चलेगा कि इसमें सारे स्टेटमेंट, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं। तो जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, क्योंकि यहाँ पर 1, 2, 3 ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फेयर रिजर्व 21 आइलैंड से मिलकर बना हुआ है, तो ये भी एक इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए वैल्यूएबल साबित हो सकती है। यहाँ पर एक और ऑप्शन हो सकता है, इट कंसिस्ट ऑफ 21 आइलैंड्स, तो इसमें आपको हेल्प मिलेगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन है ग्लोबल जियो पार्क्स से संबंधित। तो ग्लोबल जियो पार्क्स समटाइम्स सीन इन न्यूज़ इज मैनेज्ड बाय, ये कौन मैनेज करता है ग्लोबल जियो पार्क्स को। ऑप्शन है UN एनवायरमेंट, अगला है यूनेस्को, तीसरा ऑप्शन यहाँ देख रहे हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी कि IUCN, या फिर UNFCCC, यानी कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। 5 सेकंड का टाइम लीजिए और इस सिंपल से क्वेश्चन का आंसर कीजिए।
इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आपका यूनेस्को। यूनेस्को ऐसी संस्था है जो कि ग्लोबल जियो पार्क को मैनेज करती है। अब अगर साइट्स की बात करें, कुछ ग्लोबल जियो पार्क्स की साइट की बात करें, जैसे कि महाराष्ट्र में लोनार लेक, महाराष्ट्र की लोनार लेक हो गई, सेंट मैरीज आइलैंड, सेंट मैरीज आइलैंड है, ये हो गया, और साथ ही साथ कर्नाटका में है, और साथ ही साथ कर्नाटका में ये एक और एरिया है वो है मालपे बीच। तो मालपे बीच और सेंट मैरीज आइलैंड ये दोनों आपको मिल जाएंगे कर्नाटका में, और बाकी जो आपका लोलाल लेक है वो महाराष्ट्र में है। तो ये यूनेस्को के ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क स्टेटस के अंतर्गत आता है। आई होप ये आपको समझ में आ गया हो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ बात हो रही है लोनार लेक की। अभी हमने इसके पहले वाले ऑप्शन में लोनार लेक का नाम सुना। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लोनार लेक। स्टेटमेंट 1 कहता है, लोनार लेक इज़ अ नोटिफाइड नेशनल जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट। ये एक नोटिफाइड नेशनल जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट है जो कि महाराष्ट्र में लोकेटेड है। अब इस क्वेश्चन में तो आपको पीछे से हेल्प मिल गई, बिल्कुल सेम चीज़ें मिल गई, बट अगली चीज़ देखते हैं आपका क्या इसमें स्टैंड होगा। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू वार्पिंग एंड फ्रैक्चरिंग ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट। अर्थ की क्रस्ट की वार्पिंग होने से और उसकी फ्रैक्चरिंग होने से इसका फॉर्मेशन हुआ है। ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, 1 only, 2 only, बोथ 1 and 2, या फिर दोनों में से कोई भी नहीं। तो 5 सेकंड का टाइम लीजिए और आप इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिए। जी, इस क्वेश्चन का आंसर जो आपको मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन नंबर 1। जी हाँ, 1 only अगर आपका ये आया है तो बिल्कुल सही, क्योंकि ये वार्पिंग और फ्रैक्चरिंग से नहीं बना हुआ है, ये एस्टेरॉयड कोलिजन से बना है। एस्टेरॉयड कोलिजन यानी कि एस्टेरॉयड के गिरने से अर्थ पर जो लेक का फॉर्मेशन हुआ, लेक लाइक क्रेटर का जो फॉर्मेशन हुआ है, उससे ये लेक बनी हुई है। आप नॉर्मल दिमाग लगा सकते हैं, वार्पिंग ऐसा आपको कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। अब यहाँ पर एस्ट्रॉयड कोलिजन है, और ये बात याद रखिएगा कि ये चीज़ प्लीस्टोसीन इपॉक में हुई थी। कब हुई थी? प्लीस्टोसीन इपॉक में। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। एक चीज़ में इम्पॉर्टेंट और याद रखिएगा कि यहाँ पर बेसाल्टिक रॉक हैं, डेक्कन प्लेटू की बात हो रही है, तो यहाँ पर कौन सी रॉक हैं? बेसाल्टिक रॉक हैं। ये इन्फॉर्मेशन, कुछ क्रूशल इन्फॉर्मेशन हो गई इस क्वेश्चन के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिख सकते हैं। और गाइस, प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपका स्कोर कितना आ रहा है 10 में से। लास्ट वाले वीडियो में बहुत कुछ ही लोगों ने बताया है, तो प्लीज़ वो चीज़ शेयर करिए। एक हेल्दी कॉम्पिटिशन उससे डेवलप होता है, आपको भी हेल्प मिलेगी, मुझे भी हेल्प मिलेगी कि चीज़ें कितनी समझ में आ रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एंडेमिक स्पीशीज़ ऑफ वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स की एंडेमिक स्पीशीज़ जो हैं उनके बारे में बताना है, कौन कौन सी इनमें से हैं। पहला जो आपका ऑप्शन है वो है नीलगिरी थार, दूसरा है लायन टेल्ड मकाऊ, तीसरा है पर्पल फ्रॉग। स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर पता हो तो आप टिक करिए, नहीं पता हो तो इसमें रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। जो करेक्ट आंसर कोड आपको बताने हैं वो है 1 only, 2 only, 3 only या ऑल। आप सीधा सा ऑप्शन है 1, 2, 3 या फिर सारे के सारे। तो लीजिए आप इसको 5 सेकंड, पता है अगर तो। एंडेमिक मतलब उस एरिया में जो पाई जा रही हैं, वहाँ की उन स्पीशीज़ को हम एंडेमिक बोलते हैं जो वेस्टर्न घाट्स में ही पाई जा रही हैं। आंसर की बात करें गाइस क्वेश्चन की, तो इसमें तीनों स्टेटमेंट जो हैं वो बिल्कुल सही हैं। नीलगिरी थार, लायन टेल मकाओ और पर्पल फ्रॉग, ये तीनों के तीनों वेस्टर्न घाट्स में आपको मिल जाएंगे और यहाँ की ये एंडेमिक स्पीशीज़ हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। अच्छा क्वेश्चन है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग जन औषधि सुगम। जन औषधि सुगम के बारे में आपको बताना है कि ये सारी चीज़ें, इसमें से कौन सी चीज़ें सही हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, प्रोवाइडिंग फ्री जेनरिक ड्रग्स टू पर्सन्स अंडर BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन कैटेगरी के नीचे जो लोग हैं उनको फ्री जेनरिक ड्रग प्रोवाइड कराना इसका काम है। नेक्स्ट स्टेटमेंट सेल्स, सेटिंग अप जन औषधि केंद्र इन रूरल एंड रिमोट एरियाज ऑफ द कंट्री। यानी कि जन औषधि केंद्र सेटअप होंगे रूरल ग्रामीण एरियाज में, और रिमोट यानी जो दूर दराज के एरियाज हैं वहाँ पर केंद्र सेटअप होंगे।
थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है मोबाइल एप्लीकेशन टू सर्च जन औषधि जेनरिक मेडिसिन स्टोर। ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि जेनरिक मेडिसिन और स्टोर्स, जन औषधि जेनरिक मेडिसिन और स्टोर को सर्च करने के लिए यूज़ कर सकते हैं आप। लास्ट स्टेटमेंट कह रहा है नन ऑफ द अबव, यानी कि नो डा। अब आपको यहाँ पर 5 सेकंड का टाइम लीजिए और बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये आप देख रहे हैं आंसर नंबर सी, थर्ड ऑप्शन जो आपका है मोबाइल एप्लीकेशन टू सर्च जन औषधि जेनरिक मेडिसिन एंड स्टोर, ये आपका एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है। और यहाँ एक इन्फॉर्मेशन और आपको मैं बताऊँ कि जो मिनिस्ट्री है यहाँ पर, वो मिनिस्ट्री है, गेस करिए आप एक बार मिनिस्ट्री, ज़रा आप खुद से सोचिए क्या मिनिस्ट्री इसमें इसके लिए हो सकती है। और मैं अभी आपको आंसर इसका बताता हूँ, थोड़ा 1-2 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। मिनिस्ट्री है यहाँ पर केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र, केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र मिनिस्ट्री है। अगर आपने सही गेस किया है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज ये जान लीजिए कि केमिकल एंड फर्टिलाइज़र जो मिनिस्ट्री है उसने लॉन्च किया है एक मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है जन औषधि सुगम। अगले क्वेश्चन भी उसी सुगमता से बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द गवर्नमेंट लॉन्च्ड एन ई सहज पोर्टल, एक पोर्टल लॉन्च किया गवर्नमेंट ने जिसका नाम है ई सहज। अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं आईएएस में पीसीएस में, आपको बहुत ईजिली मिल जाएंगे। अब आपको इसके बारे में पता है तो आप सही आंसर कर पाएंगे, वरना आपको गेस वर्क करना पड़ेगा। नाउ ई सहज के बारे में, हाँ कुछ 4 ऑप्शन हैं, टू ऑफर इंश्योरेंस कवरेज टू डेयरी फार्मर्स, जो कि डेयरी फार्मर्स हैं, डेयरी में जो भी किसान लगे हुए हैं उनके लिए इंश्योरेंस कवरेज प्रदान करना, बीमा वगैरह प्रोवाइड कराना। दूसरा ऑप्शन है फॉर सिक्योरिटी क्लियरेंस इन सर्टेन सेंसिटिव सेक्टर, कुछ सेक्टर के लिए सिक्योरिटी सुरक्षा की क्लियरेंस, सिक्योरिटी क्लियरेंस प्रोवाइड कराना। तीसरा ऑप्शन है फॉर MSME सेक्टर टू एक्सेस मार्केट या फिर एक्सेस क्रेडिट, जो लघु उद्योग हैं उनके लिए बात हो रही है। चौथा ऑप्शन कह रहा है टू असिस्ट स्टार्टअप्स इन गेटिंग चीपर लोन, सस्ते लोन के लिए स्टार्टअप डेवलप करने में उनकी सहायता करना ताकि उनको लोन मिल पाए। तो टेक योर 5 सेकेंड्स, राइट है आपका ये, और आप इसका आंसर करिए। तो इस क्वेश्चन में जैसे आप देख रहे हैं कि कई ऑप्शन है ई सहज पोर्टल के बारे में, अगर आपको ई सहज पोर्टल के बारे में पता है तो आप बता पाएंगे। तो गाइज यहाँ पर जो आपको ऑप्शन बी दिख रहा है वो करेक्ट है, यहाँ पर कुछ सेक्टर में सर्विस क्लियरेंस को ग्रांट करने की बात की गई है और ई सहज पर यही काम होते हैं कि सहजता से आपको सिक्योरिटी क्लियरेंस मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पहुँचते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, बात हो रही है प्रोजेक्ट नवलेख की। पहला स्टेटमेंट कहता है कि ये प्रोजेक्ट बना है ताकि ये ऑनलाइन कॉन्टेंट बना पाए लोकल लैंग्वेज में इंडियन यूजर्स के लिए। दूसरा स्टेटमेंट कहता है ये प्रोजेक्ट एम करता है कि 135,000 लोकल लैंग्वेजेस ऑनलाइन पब्लिश हो सकें बाय मेकिंग वेब होस्टिंग स्मूथ एंड सिंपल, मतलब कि नेट के यूज़ को सिंपल किया जाए और करीब 135,000 तक की लोकल लैंग्वेजेस को हम ला सकें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 1 एंड 2, 1 एंड 3, 1 एंड 3 सॉरी यहाँ पर 2 हो गया है, यहाँ पर 2 एंड 3 आप ले लीजिए ऑप्शन, 2 एंड 3 एंड 1, 2, 3। तो आप इसका ऑप्शन चूज़ करिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और यहाँ पर आप आंसर मुझे दीजिए, यहाँ पर 2 एंड 3 है। तो अगर गाइस इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें कि प्रोजेक्ट नॉलेज के बारे में क्या सही है, तो स्टेटमेंट नंबर 1 यानी कि 1 एंड 2 बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, और जो थर्ड स्टेटमेंट है ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का काम नहीं है, ये काम है हमारे प्यारे गूगल बाबा का। जी हाँ, गूगल ने इनिशिएट किया है प्रोजेक्ट नवलेख, और नाम से आप देखेंगे लेख नवलेख, तो इसमें लैंग्वेज वगैरह आप चीज़ें समझ सकते हैं थोड़ा सा। आगे बढ़ते हैं, हाँ मिनिस्ट्री केस करना थोड़ा टफ हो सकता है बट आपको वो चीज़ पढ़नी पड़ेगी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अर्बन हीट आइलैंड, अर्बन हीट आइलैंड का जो कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है, आपको उसके बारे में बताना है। पहला स्टेटमेंट कहता है एन अर्बन हीट आइलैंड इज़ एन अर्बन एरिया, एक अर्बन एरिया है, शहरी एरिया है, दैट इज सिग्निफिकेंटली वार्मर, जो कि काफ़ी गर्म है देन इट्स सराउंडिंग रूरल एरियाज ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी। ये शहर है, ये बाकी गाँव हैं,
तो गांव कंपैरिजन में शहर का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा है और ये चीज़ें ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हो रही हैं। अगला स्टेटमेंट कहता है द इफेक्ट ऑफ अर्बन हीट आइलैंड इज़ मोर सीवियर ड्यूरिंग डे टाइम दैन इन नाइट टाइम, यानी कि दिन में ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है अर्बन हीट आइलैंड के कॉन्सेप्ट का, जबकि रात में उतना असर नहीं पड़ता है। तो ये स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है UHI यानी कि अर्बन हीट आइलैंड का जो कॉन्सेप्ट है वो डिक्रीज करता है एयर क्वालिटी को, हवा की गुणवत्ता को, बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ पॉल्यूटेंट सच एज ओजोन एंड डिक्रीजिंग वाटर क्वालिटी। ओजोन जैसे पॉल्यूटेंट जो हैं, प्रदूषक हैं, इनके सांद्रता को बढ़ाता है, इनके उत्पादन को बढ़ाता है और वाटर क्वालिटी को डिक्रीज करता है, और इस हिसाब से ये एयर क्वालिटी पर बुरा असर डालता है। स्टेटमेंट आपके नीचे दिए हुए हैं 1 एंड 2, 1 एंड 3, 1, 2, 3 और 2 एंड 3। इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है, 5 सेकंड का टाइम लीजिए और अपनी पूरी कोशिश करिए। अर्बन हीट आइलैंड के बारे में है, एक हिंट दूंगा, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा और अच्छे से समझिएगा। तो गाइस अगर यहाँ पर आंसर की बात करें तो आपका आंसर डायरेक्टली सीधे सीधे हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आप यहाँ पर देखिए गलत क्या, ऑप्शन बी यहाँ पर गलत है, 2। तो 1 एंड 3 वुड बी द करेक्ट आंसर। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि जो अर्बन हीट आइलैंड का कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली टेम्परेचर डिफरेंस पर है। ये अर्बन एरिया है, ये रूरल एरिया है, यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस की बात हो रही है। तो दिन के समय में यहाँ जो टेम्परेचर डिफरेंस है कि यहाँ पर मान लीजिए 35 डिग्री है, यहाँ पर 30 डिग्री है, तो वो टेम्परेचर डिफरेंस 5 डिग्री का हो गया, जबकि रात में यहाँ पर 30 डिग्री है और यहाँ पर 22 डिग्री है, तो रात में जो है वो आपको 8 डिग्री तक टेम्परेचर मिल सकता है, तो कंपेरेटिवली वो रात में आपको ज़्यादा मिलेगा, दिन में कम मिलेगा। तो ये स्टेटमेंट इस वजह से गलत हो जाता है। गलत हुआ है ये, तो अपनी एरर नोटबुक में इसको प्लीज़ लिख लें, और अगर आपका ऐसा ही हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, आप तो पहले से ही बहुत तेज थे, अभी भी हैं, और आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, कोई नहीं रोक सकता। 10th क्वेश्चन में पहुंचते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हेपेटाइटिस सी, को हेपेटाइटिस के इंजेक्शन लगवाए होंगे सबने, हेपेटाइटिस सी के बारे में यहाँ बात हो रही है। हेपेटाइटिस सी एक लिवर की डिजीज़ है, पहला आपका स्टेटमेंट याद है भैया। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ इन्फेक्शन, की कैसे इन्फेक्शन हो रहा है, वो हैं थ्रू एक्सपोजर टू स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ ब्लड, रक्त की छोटी जो क्वान्टिटी है, छोटे अमाउंट से ही इन्फेक्शन इसका होता है, वो कॉमन तरीका है इसका। थर्ड ऑप्शन कहता है हेपेटाइटिस सी ऑल्सो स्प्रेड थ्रू ब्रेस्ट मिल्क फूड एंड वाटर, तो भैया इन सारी चीज़ों से क्या हेपेटाइटिस सी फैलता है या नहीं, ये स्टेटमेंट है। चौथा स्टेटमेंट कहता है कि ऐसे लोग जिनको HIV का इन्फेक्शन है उनको ज़्यादा रिस्क होता है हेपेटाइटिस सी वायरस इन्फेक्शन का। तो ये आपके 4 स्टेटमेंट हो गए। ऑप्शन की बात करेंगे कौन सा करेक्ट है, तो यहाँ पे 1, 2 का 4, 1, 3 का 4, 2, 3 का 4 और 1, 2, 3 का 4 आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। तो आप इसमें चूज़ करिए कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा नहीं सही है, और आपका आंसर इसके अकॉर्डिंग क्या आ रहा है। अपने 5 सेकंड लीजिए, आपका हक है ये। अब अगर इसके आंसर की बात करें तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, जो स्टेटमेंट इसमें गलत है वो है नंबर 3। ब्रेस्ट मिल्क फूड वाटर इन सब से नहीं फैलता है ये इसके जरिए से नहीं फैल पाता है, जबकि जो पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा स्टेटमेंट है एब्सोल्युटली करेक्ट है। इसके बारे में अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन जाननी हो तो ये जानिए कि ये ब्लड बोन वायरस है, ब्लड बोन, ब्लड के थ्रू ये रक्तवाहक, रक्त के थ्रू ये फैलता है। एंड मोस्ट कॉमन मोड ऑफ इन्फेक्शन के जो तरीके हैं वो हैं थ्रू एक्सपोजर टू स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ब्लड, हमने भी पढ़ा, और जो ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होता है वो बेसिकली अनस्क्रीन्ड, मतलब जिस ब्लड को टेस्ट अच्छे से नहीं किया गया, चेक नहीं किया, अनस्क्रीन्ड ब्लड का जो ट्रांसफ्यूजन हो रहा है उसकी वजह से प्रॉब्लम में ज़्यादा आती है। बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात इसके बारे में बताऊँ, कोरोना सब लोग परेशान है, वैक्सीन नहीं है, हेपेटाइटिस सी की जो वैक्सीन है वो है ही नहीं, नो वैक्सीन अवेलेबल, अभी तक कोई भी वैक्सीन इसके अवेलेबल नहीं है। हाँ, इस पर रिसर्च जारी है बट अभी कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। तो ये स्टेटमेंट बहुत अच्छे से आप याद रखिएगा। सो गाइज, ये 10 क्वेश्चन थे जो मैंने आपके लिए कोशिश की ढूंढ ढूंढ के कि भैया कहाँ कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, और गाइज सबको मैंने खुद ही टाइप किया है, देख सकते हैं टाइपिंग उतनी कुछ खास सही नहीं है, तो मेहनत लगती है इन सारी चीज़ों को करने में। तो गाइज़ अगर आपको मेरी मेहनत दिख रही है, मेरा काम दिख रहा है, अच्छा लग रहा है आपको काम, कुछ भी आप थोड़ा सा सीख पा रहे हैं इस वीडियो से,
तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत हेल्प होगी इससे। शेयर करिए मेरे चैनल को दोस्तों के साथ। कंपटीशन लेवल का जो क्वेश्चन अगर आपको लग रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि हाँ क्वेश्चन आपके अच्छे लेवल के हैं या फिर बिल्कुल सड़े बेकार लेवल के हैं, इसको हटा दीजिए, टफ़ क्वेश्चन लेके आइए, तो मेरे सारे सही थे। स्कोर भी अपने आप शेयर करिए, और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको एक अच्छा सा लाइक दीजिए, गिव अ थम्स अप। और गाइस ऐसे ही करते रहिए स्टडी प्रत्यूष। थैंक यू सो मच। अच्छा पढ़ें, अच्छे बनें।